कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन वैक्सीन पर फैल रही अफवाहों की वजह से टीकाकरण धीमी गति से हो रहा है। जिले के कोटरी के गायक आशीष सोनी ने टीके के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक गाना कंपोज किया है। इस गाने में संगीत महेश व्यास ने दिया है। है तो जहान रहेगा, काम बाद में कर लेंगे, कुछ पल बैठे परिवार के साथ में, घर में खुशियां भर देंगे। जान है तो जहान रहेगा, काम बाद में कर लेंगे, कुछ पल बैठे परिवार के साथ में, घर में खुशियां भर देंगे। 2 गज की ये दूरी आगे सबको साथ मिलाएगी, मास्क सैनिटाइजर सी चीजें जाने से हमें बचाएगी। ये बुरा वक्त चल जाएगा, ये बुरा वक्त चल जाएगा, ना हौसला हमें गवाना है। याद रहे और सबको बताए, टीका हमें लगाना है, टीका हमें लगाना है, टीका हमें लगाना है। मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, फिर से हम सब मुस्कुराएंगे। रविवार को कोदूकोटा गांव में स्वयं सेवकों द्वारा घर घर जाकर सेवा भारती द्वारा निर्मित आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। दवा वितरण स्वयं सेवक दीपक सोमानी, पवन कुमार पारिक, नवीन कोठारी, कुलदीप प्राणावत के द्वारा किया गया। स्वयं सेवकों द्वारा खेल मैदान पर वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष के पौधों का रोपण भी किया। पौधारोपण में स्वयं सेवक पवन कुमार पारिक, महेश शर्मा, ओम प्रकाश सुवालका, सुमित गहलोत, सुरेश सुथार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सेवकों द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाव एवं टीकाकरण हेतु जन जागरण किया। मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना, 2 गज दूरी बनाए रखना इत्यादि निवेदन किया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें 165 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष अग्रवाल ने रोगियों को परामर्श व निःशुल्क दवाइयां दी। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि शिविर में इंदु बंसल, लादूलाल माली, कृष्ण गोपाल व घनश्याम डाड ने सेवाएं दी। कोली समाज विकास ट्रस्ट के सदस्य रहे चांदमल खोरवाल कोरोना से पीड़ित होकर 38 दिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उपचाररत थे, जिनका कोरोना से संघर्ष करते हुए 3 जून को हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। शोक सभा में स्वर्गीय चांदमल खोरवाल की तस्वीर के पास में पीपल के वृक्ष रखा गया एवं पूजन करके उसको माँ जोगड़िया धाम कुमाड़ा रोड पर उनकी धर्मपत्नी दुर्गा देवी, पुत्र नवीन, नितेश के हाथ लगाकर पंचों द्वारा लगाया गया। सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि शोकाकुल परिवार जन की सुपुत्री के उच्च शिक्षा के लिए ट्रस्ट सदस्यों के द्वारा निजी रूप से 42,000 का नकद आर्थिक सहयोग दिया। इससे पूर्व शोकाकुल परिवार हेतु कड़वा घास भोजन की व्यवस्था भी सभी सदस्यों ने मिलकर की। सहयोगकर्ता में डालचंद्र बछाप्रिया, ओम खटुम्बरा, डॉक्टर राजकुमार खंडवाल, नंदलाल बछाप्रिया, मोती सिंह मंडिया, मोहनलाल रुवासिया, बालूलाल बछाप्रिया, प्रकाश सुनारिया, खेमचंद सुवालिया, देवीलाल गडोरिया, महेंद्र, सुनील आमेरिया, सोनू, खेमचंद सुनारिया, सोहनलाल तलाया आदि कार्यकारिणी सदस्यों ने सहयोग किया।